भाजपा नेता शांता ने कहा कि प्रदूषण पर चर्चा व्यर्थ हो रही है, असली बात की ओर कोई देख भी नहीं रहा। दिल्ली सरकार ने कहा कि कमेटी बनाई है और कमेटी की रिपोर्ट है कि प्रदूषण कारें फैलाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कारें क्यों बढ़ती जा रही हैं। शांता ने कहा कि चर्चा तो हो रही है, लेकिन असली बात पर चर्चा होनी चाहिए। गौरतलब है कि शांता कुमार ने विख्यात दिवंगत साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर पीयूष गुलेरी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर उनके द्वारा लिखित 3 पुस्तकों कहानी संग्रह एक तथ्य अटका हुआ, बाल कविता संग्रह हमें बुलाती छुक छुक रेल तथा निबंध संकलन हिमाचली संस्कृति और पुरोधा का विमोचन किया। भाजपा नेता शांता ने कहा कि प्रदूषण पर चर्चा व्यर्थ हो रही है, असली बात की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दिल्ली सरकार ने कहा कि कमेटी बनाई है और कमेटी की रिपोर्ट है कि प्रदूषण कारें फैलाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कारें क्यों बढ़ती हैं। शांता ने कहा कि चर्चा तो हो रही है, लेकिन असली बात पर चर्चा होनी चाहिए। गौरतलब है कि शांता कुमार ने विख्यात दिवंगत साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर पीयूष गुलेरी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर उनके द्वारा लिखित 3 पुस्तकों कहानी संग्रह एक तथ्य अटका हुआ, बाल कविता संग्रह हमें बुलाती छुक छुक रेल तथा निबंध संकलन हिमाचली संस्कृति और पुरोधा का विमोचन किया। भाजपा नेता शांता कुमार ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर पीयूष गुलेरी ने पूरा जीवन साहित्य साधना की, उन्होंने पहाड़ी भाषा को नया जीवन दिया और हिंदी में भी बहुत कुछ लिखा है। डॉक्टर पीयूष गुलेरी ने पहाड़ी व हिंदी भाषा में जो साहित्य साधना की है वो हमेशा याद रहेगी। साहित्य मानवता देश के लिए समाज के लिए निर्भीक होकर काम करें, आज उसकी आवश्यकता है। डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी ने पूरा जीवन साहित्य साधना की, पहाड़ी भाषा को भी एक नया स्वरूप दिया और हिंदी भाषा में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। वे एक बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार, कवि, लेखक थे और उनके प्रति हम सब आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश पहाड़ी भाषा और हिंदी भाषा की जो साहित्य साधना की है वो हमेशा याद रहेगी। हमने उन्हें इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि दी। सर, आपको युवा साहित्यकारों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? साहित्यकारों को मुझे इतना ही कहना है कि साहित्य लेखन मानवता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और निर्भीक होकर के आज उसकी आवश्यकता। सर, गुलेरी जी की 3 पुस्तकों का विमोचन भी आज आपने किया है, किस तरह देखते हैं ये जो पुस्तक? ये भी मुझे अच्छा लगा कि उनके बाद उनके परिवार ने प्रकाशित रचनाएं थी प्रकाशित किया। सर, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है पर्यावरण प्रदूषण, एक बहुत गंभीर विषय है सर, और सर एक छोटा सा गंभीर विषय है सर, संसद में इस पर चर्चा हुई और अधिकतर सांसद गैर जिम्मेदाराना रवैया रखते हुए सर 75% से अधिक सांसद इस चर्चा में भाग ही नहीं लिया। सर, प्रदूषण पर चर्चा बिल्कुल व्यर्थ हो रही है, असली बात की ओर कोई देख नहीं रहा। दिल्ली सरकार ने बड़ी ज़ोरदार बात की कि हमने कोई पता करवाया है, कमेटी बनाई है और वो कमेटी कह रही है कि सबसे अधिक प्रदूषण गाड़ियाँ कारें फैलाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि गाड़ियाँ क्यों बढ़ती हैं। इस देश के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बढ़ती आबादी का विस्फोट है। यदि आबादी बढ़ेगी तो मकान बनाने पड़ेंगे, जंगल कटेंगे, रेत माफिया बनेगा, गाड़ियां चलेंगी और प्रदूषण होगा। मैं समझता हूँ ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी में हवा में जहर है, पानी में जहर है। और मैं तो कई बार कहता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिला भी हूँ, कि 34 करोड़ से बढ़कर हम 141 करोड़ हो गए। तो प्रदूषण ही नहीं, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ने का भी सबसे बड़ा कारण। सर, पर सांसद जो इस महत्वपूर्ण चर्चा से जो है वो भाग ही नहीं लिया सर, 75% सांसद जी ने जनता अपना प्रतिनिधि के तौर पर संसद में भेजा है सर। चर्चा भी ले ली चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ असली बात पर चर्चा होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।